सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग, रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपका जेपीएससी सिविल सेवा 2016 परीक्षा का आपका रिजल्ट जो है जारी हो चुका है, तो मैं बता दूं आपको कि ये आपका एक संशोधित रिजल्ट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट संबंधी सूचना। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये नोटिस आपका झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें बता दूं आपको, इसमें कुछ आपका इम्पोर्टेंट नोटिस भी दिया गया है और साथ ही साथ आपका रिजल्ट की भी जानकारी इसमें दी गई है। रिजल्ट भी आपका दिया गया है, इसमें रोल नंबर के हिसाब से आप लोग रिजल्ट को इसमें मिला सकते हैं। देखिए आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे ये आपका, देखिए रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट दिया गया है। इसमें आपका कैटेगरी कहीं पे है नहीं, तो ये सारा रिजल्ट जो है इसमें आपका मिला के दिया गया है। तो आपका रोल नंबर के हिसाब से रिजल्ट दिया गया है, तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग का डायरेक्ट जो है ये आपका रिजल्ट पेज आपका खुल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो बात कर लेते हैं जो नोटिस में क्या कहा गया है, नोटिस भी देखना बहुत जरूरी है, उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा गया है। तो चलिए हम लोग नोटिस एक बार इसको पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है आपका क्या है कि आपका जेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा जो हुई थी 18/12/2016 को, तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया था 23/2/17 एवं 11/8/2017 को संशोधित परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था। उसके बाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची में दायर याचिका में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में पूर्व निर्गत परीक्षा फलों को विलोपित करते हुए दिनांक 6/8/2018 को संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो 2016 का है पुनर्शोधित परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। उसमें कहा गया है आपका कि इसमें जो रिजल्ट आपका जो दिया गया है पुनर्शोधित परीक्षा फल के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु चयनित सभी अभ्यर्थियों को 13/8/2018 से 14/9/2018 तक ऑफलाइन आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा। मतलब आपको एक बार फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, इसमें कहा गया है। तो ये फॉर्म आपका 13/8/2017 से 14/9/2018 को ऑफलाइन आपको भेजना है, इसमें कहा गया। तो इसका जो है आपका जो फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो 13/8/2018 से आपका जेपीएससी का जो साइट है www.jpsc.gov.in पे आपका उपलब्ध रहेगा, जैसा इसमें कहा गया है। उसके बाद उसमें कहा गया है कि आवेदन पत्र भरने तथा वांछित प्रमाण पत्र अभिलेख समर्पित करने हेतु, मतलब आपको इसमें सभी प्रमाण पत्र इसमें देना है जिसमें इसमें कहा गया है। और इसमें आपका जो है जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल हुए हैं ऐसे भी अभ्यर्थी जिनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर एवं मुख्य परीक्षा के द्वितीय पत्र भाषा एवं साहित्य विषय के अंतर्गत चुने गए विषय तथा उल्लेखनीय कोटि के यदि नहीं है, मतलब कहा गया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर आप भूल गए हैं या फिर आप जो ऑप्शनल में जो सब्जेक्ट डाले हैं जो भाषा चूज किए हैं वो नहीं है, तो इसमें आपका एक लिंक दिया जाएगा जिसमें कि आप मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दे करके आप उसको देख सकते हैं। ये आपका दिया गया है देखिए यहाँ पे। और मुख्य परीक्षा, जहां तक परीक्षा के बारे में है कि मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम यथाशीघ्र घोषित किया जाएगा, वो अभी डेट घोषित नहीं किया गया है। मतलब आप जान के रहिए कि आपका देख इसमें सितंबर तक तो वो फॉर्म भराएगा, तो जान के रहिए कि अक्टूबर तक में आपका एग्जाम होने की संभावना है जैसा कि इसके हिसाब से कहा गया है। और उसके बाद बाकी बात जो सातवां पॉइंट है उसमें आपको सारा कहा गया है कि प्रमाण पत्र वगैरह ये सब आपको अटेस्टेड करा के भेजना होगा ये सभी। तो उसमें जब फॉर्म जब आपका फॉर्मेट आएगा उसमें सारा डिटेल दिया गया रहेगा, उसमें उस समय हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। जब इसका फॉर्म आ जाएगा 13 तारीख को, तब फिर एक मैं वीडियो बना दूंगा उसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट भेजना है उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आप लोग जिसमें रिजल्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आपका देखिए रिजल्ट के बारे में दिया गया है, रोल नंबर के हिसाब से आपका रिजल्ट दिया गया है। तो चलिए ये थे आपके जेपीएससी संबंधित जानकारी। और भी इस टाइप का कोई न्यूज आता है तो आप लोगों के सामने जरूर शेयर करेंगे। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।